जीवन का रोमांस, अब मेरा रोमांस भी आध्यात्मिक रोमांस ही होगा, मेरा रोमांस नेचर से, उसमें भी मेरा रोमांस आनंद जो है। है उस सत्ता से है जिसे लोग एक पागलपन समझते हैं, मुझसे नहीं तो रोमांस उसी को तो समझते देख हैं। करके जो है मीरा नाचती रही, और उसको मीरा वही नाचती है आनंद पा करके नाचती रही, और गाती रही, लोग लोग कहते लो हैं, पागल कहे मीरा लोग को। कहे मीरा हो गई बावरी रे, हैं हाँ कुल कहे कुल नासी रे। जब मीरा को राणा जी जहर देते हैं तो कहते तुम पुरुषों के पास नाचती हो, राजघराने की बहू हो क्या? ठीक, राजघराने की परंपरा के विरुद्ध। बोला कौन पुरुष, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है, पुरुष है वो है कृष्ण है, कृष्ण। और तो सब कोई पुरुष नहीं मुझे दिखता है। हाँ बेशक बने अपने को उस महापुरुष। रोमांस की प्रकाष्ठा जो है कोई नहीं जानता है। कबीर कहता है मैंने चखी हो राम रस कबहु न उतरे खुमारी। अरे हमारे आपके नशा तो लोग शराब पीते हैं 2 घंटे में उतर जाता है, मैंने चखी जो हो ऐसा राम पी रस लिया। कबहु न उतरे खुमारी। और हमारे जैसे लोगों का रोमांस पर एक कबीर लाइन लिखता है पांडे जी, बड़ी आपको देख देख कर मेरा भी हृदय जानते हो कैसे खौलने लगता है, जैसे अग्नि पर दूध रखा हुआ वो खौलने लगता है, सेम उस तरह उस रोमांस पर खौलने लगता है। कहता है चौसर खेलूं प्रिय संगरे, चौसर खेलूं प्रिय संगरे, हार गई तो पिए की भई रे, जीत गए पिए मोर हो। वाह 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 बहुत अच्छा। चौसर खेलूं प्रिय संगरे, हार गई तो पिए की भई रे, जीत गए पिए मोर हो। चौसरिया के खेल में युग मिलन की आस रे। अब बिल्कुल सही बात उस है। स्तर पर अच्छा रोमांस दोनों दोनों से में, दोनों में जीना फायदा है, दोनों में फायदा है। हार गई तो उनकी हो गई और अजीब, जीत गई तो वो हमारे हो गए, फायदा दोनों में ये ही है। रोमांस है जीवन का ये है जीवन का भाई, रोमांस। सही यही बात है, मुस्कुराहट है वही जिन्हें बात तभी है। मैंने, और अच्छा और लगता है। स्वार्थी संसार क्या कहता है, कहता है कि आप मेहमान हैं तो मेरे घर आएंगे तो क्या लाएंगे, हम आपके घर आएंगे तो आप क्या क्या खिलाएंगे। ये तो उसे दुनिया की बातें हैं, हम लोग जिस दुनिया की रोमांस, आपने कहा ना कि हमारी रोमांस आध्यात्मिक रोमांस एक यही है पांडे जी। और हंसते आपसे मुस्कुराते शाम नहीं, को बैठ के पता नहीं ये कब की मिलन की है कि आपसे हमारी, और आपका उस विचार। मेरे अंदर जो चीजें हैं जो मैं सोचता था कि कुछ इसको मैं कहीं किसको बताऊं, टू हुम आई विल शेयर, कैसे प्रसार करूं, और कैसे प्रचार नहीं, चीज को बताया भी नहीं प्रसार जाता, कुछ प्रसार, प्रसार, लेकिन कुछ जो रहस्य महसूस किया जीवन का, ये कोई सो विज्ञापन नहीं है कोई विज्ञापन कि इसका प्रचार करना है। प्रसार करना है ज्ञान का, उस ईश्वर के अंश के नहीं। अंदर से निकली हुई सद्वृत्तियों को, विचारों को प्रसार करना है, लोगों तक पहुंचाना है। कहते हैं देखिए बुद्ध के पास जब जाते थे लोग, आते हैं तो मैंने पढ़ा कि लोग इस रहस्य को जानना चाहते कि ईश्वर क्या है, रोमांस क्या है, आप किस रोमांस के हमेशा मुस्कुराते हंसते रहते, इसमें क्या राज है? कहा कि कुछ चीजें मैं तुम्हें नहीं बता सकता, कि कुछ चीजें करने की चीज है, महसूस करने की चीज है, और जब महसूस के रास्ते पर अग्रसारित हो जाओगे अपने आप पहुंच जाओगे, जब तक ना पहुंचे हो तब तक प्रश्न और द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है इंसान सही के बात अंदर, है। और यह द्वंद्व तभी खत्म हो सकता है जब उस रास्ते पर चल। पढ़ के तो इंसान विद्वान हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, लेकिन रहस्यमय तत्वदर्शी आप महसूस करके हो सकते हैं, और अपने आप के श्वसन को पढ़े, उससे बड़ा वेद, उससे बड़ी कुरान और गीता और बाइबल से नहीं है जो अपने श्वसन को कोई पढ़ ले। यही जीवन का रोमांस हमने, और ये रोमांस बड़ा आनंददायक है, आनंददायक, इस रोमांस की खुमार नहीं जिसको उठता केवल अनुभूति की जा है। सकती है। और अंडे जी